व्यवस्थाएं देखी हैं आपने और क्या महसूस किया सर जो संक्रमण फैल रहा है उसे लेकर? हमारी टीम दिल्ली से यहाँ पे 20 तारीख को आई थी, मेरे साथ चार अन्य और मेंबर्स हैं। सबसे पहले हमने आते ही एक समीक्षा की यहाँ पे ज़िला प्रशासन के साथ, जिसमें उनसे जाना कि कोविड-19 से जूझने के लिए उन्होंने क्या व्यवस्था की है, क्या इंतज़ाम किए हैं, और जो गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिशा निर्देश वक्त दर वक्त दिए गए हैं उनको क्रियान्वित करने के लिए उन्होंने अपनी क्या प्लानिंग की है। उस समीक्षा के उपरांत सबसे पहले शहर में जितने भी कंटेनमेंट जोन हैं, हॉटस्पॉट्स हैं, उन सभी को जाकर के हमने विज़िट किया। आज उसी संदर्भ में माओ में जो कंटेनमेंट जोन है, हॉटस्पॉट है, उसको भी जाकर के देखा। हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन के अंदर कुछ एक लोगों से भी बात की, क्योंकि लॉकडाउन पूरा है, रहना भी चाहिए, जिस किस्म की दिक्कत आई हुई है, तो उसमें लॉकडाउन के चलते हुए राशन की व्यवस्था और एसेंशियल कमोडिटीज़ की व्यवस्था, वो सारी जानकारियां लोगों से भी ली। इसके साथ साथ हमने ग्रामीण क्षेत्र में भी दौरा करके, जहाँ जहाँ पे लॉकडाउन चल रहा है, जैसे मंडियाँ हैं इस वक्त, मंडियों में कई जगह मंडियाँ नहीं चल रही, तो मंडियों में क्या व्यवस्था है। मुझे एक अच्छी जानकारी जो इंदौर ग्रामीण क्षेत्र और एमपी के बारे में पता लगी, सौदा पत्र करके जो एक सरकार ने बड़ी अच्छी व्यवस्था की है डायरेक्ट मार्केटिंग की, कि मंडी में क्योंकि सारी आवक आएगी तो वहाँ पर कंजेशन हो जाएगा, तो कोई भी किसान ट्रेडर के साथ एक ट्रांजैक्शन कर सकता है अगर एमएसपी पे और उसकी क्वालिटी ठीक है, तो वो सीधा मंडी के बाहर ही ट्रांजैक्शन हो जाएगा। इस व्यवस्था से किसानों को भी सुविधा होगी, ट्रेडर्स को भी होगी, और मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स भी फॉलो किए जाएंगे। शाम को शहर के सभी प्रमुख नेता और जो स्वयंसेविक संस्थाएँ हैं उनके साथ भी बातचीत की, ये जानने के लिए कि क्या समस्याएं हैं लॉकडाउन के दौरान जिनको हमें सुलझाना चाहिए। उसमें बहुत सारी बातें आई। ग्रामीण क्षेत्रों में पीडीएस की दुकानें, जो राशन की दुकानें हैं, वो खुली हुई हैं, शहर में इस वक्त बंद हैं, उनके बारे में क्या किया ना। वैसे बहुत अच्छी प्रशासन ने व्यवस्था की है, राशन की सप्लाई जो ऑनलाइन ऑर्डर्स के माध्यम से हो रही है उसको मॉनिटर भी कर रहे हैं कंट्रोल रूम के ज़रिए, तो उस व्यवस्था को कैसे सुदृढ़ किया जा सकता है। इसके अलावा और भी सारे जो लोगों ने सुझाव दिए उनको हम केंद्र सरकार में दिल्ली भी बात करके पहुंचाएंगे। ये बात भी की गई कि क्या और फंडिंग उपलब्ध हो सकती है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल्स में बेड्स वगैरह की, वो सारी समीक्षा करके राज्य सरकार को भी और केंद्र सरकार को सारी जानकारी हम देंगे।